दो दिन पहला जिथे अकाल तख्त का बयान आया कि पंजाब का मुख्यमंत्री चाहे हिंदू होवे चाहे सिख होवे ते कोई फर्क नहीं पैंदा, वो इंसान वधिया होना चाहिए। हिंदू मुख्यमंत्री सी कि बादल दल के नारे लगते सी पंथ खतरे चा, पंथ खतरे चा, पंथ नूं बचाउण दे वास्ते सानू एक सिख मजोरिटी स्टेट। जिथों तक सवाल आ एक वधिया इंसान का, सुनील जाखड़ का नाम आ रहा सी। मैं सुनील जाखड़ नूं सुखबीर बादल नालों वधिया इंसान समझदा। हो सकता कि सिख दे हक्कां दे वास्ते भी वह सुखबीर बादल नालों ज़्यादा खड़ा होवे। कि जे अंबिका सोनी इत्थे मुख्यमंत्री बन गई अगले दिन ही अकालिया ने शुरू कर देना सी। 1984 वापस याद कराता कांग्रेस ने सिखां दा हक खोलिया, इत्थे सिखी ते टाला दी, इहो अकाली दल ने पूरे दा पूरा माहौल पंजाब दा खराब करना सी। अकाली दल अपने फायदे दे वास्ते किसे हद तक जा सकदा इह असीं देख चुके हां, खास करके होना वाला। पिछले बारी वोटां दे वास्ते इन्हां ने राम रहीम तक सपोर्ट करती, उन्हें माफ करता, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करती। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब को एक चिट्ठी लिखी है। दो दिन पहला जथेदार अकाल साहब का बयान आया कि पंजाब का मुख्यमंत्री चाहे हिंदू होवे चाहे सिख होवे ते कोई फर्क नहीं पैंदा, वो इंसान वधिया होना चाहिए। इस दी सपोर्ट ये श्रोमणी अकाली दल जो बादल क्या दा दल उन्होंने भी की थी। ये बड़ी हैरानी की गल है। जेकर सिखा ने इस सिद्धांत के उत्ते पहरा देना तो अकाली दल का भी यही सिद्धांत आ, तो जथेदार अकाल तख्त साहब प्रकाश सिंह बादल नूं बुला के ये पुछन कि 1966 विच हजारां सिखां नूं जेलां दे विच भजवा के एड्डी लंबी लड़ाई लड़ के पंजाबी सूबा बनवाया, वो पंजाबी सूबा बनाउण दा इन्हां दा मकसद की सी कि एक सिख मजोरिटी वाला साडे कोल स्टेट होवे। और अकाली दल ने कहा सी कि सारी दुनिया च इक्को इक स्टेट होएगी जिथे के सिख मजोरिटी होएगी ते हमेशा सिख मुख्यमंत्री होएगा। पंजाब एडा बड़ा सी, पंजाब दिल्ली दियां जड़ां तक सी, दिल्ली दियां जड़ां तक पंजाब सी, आ गुड़गांव फरीदाबाद इत्थों तक सीगा, ते उन्हूं छोटा करके सिर्फ एक सिख मजोरिटी दी स्टेट बनाउण लई उन्हूं छोटा करके अद्धा पंजाब हो गया, अद्धा पंजाब करवाता। तो उदों जदों हिंदू मुख्यमंत्री सी ये बादल दल दे नारे लगते सी पंथ खतरे चा, पंथ खतरे चा, पंथ नूं बचाउण दे वास्ते सानू एक सिख मजोरिटी स्टेट चाहिए। तो मैनूं समझ नहीं आउंदी कि अज इहो ही अकाली दल ये कह रहा सानू फर्क नहीं पैंदा। मैं तो इहदे च बड़ी कोई डूंगी साजिश रखती है कोई पूरी। देखो जिथों तक सवाल आ एक वधिया इंसान का, सुनील जाखड़ का नाम आ रहा सी। मैं सुनील जाखड़ नूं सुखबीर बादल नालों वधिया इंसान समझदा। हो सकता कि सिख दे हक्कां दे वास्ते भी वह सुखबीर बादल नालों ज़्यादा खड़ा होवे, पर गल इत्थे राह दी नहीं, गल पा दी आ, गल एक परंपरा दी आ। ये परंपरा की होवे 1966 तो जदों ये पंजाबी सूबा बनिया तो हमेशा इत्थे सिख मुख्यमंत्री बनता आया, तो की यह परंपरा चलूगी जां यह परंपरा खत्म हो जाएगी जिहड़ी कि अगे 50-100 साल तक भी वह परंपरा बदली जाएगी। अंबिका सोनी का नाम आया सी, मुख्यमंत्री उन्होंने ऑफर दी सी,
अंबिका सोनी ने बहुत मच्योरिटी दिखाई, उन्हें एक गल रिलाइज कर ली कि जे अंबिका सोनी इत्थे मुख्यमंत्री बन गई अगले दिन ही अकालिया ने शुरू कर देना सी 1984 वापस याद कराता कांग्रेस ने सिखां दा हक खोलिया इत्थे सिखी ते टाला दी इहो अकाली दल ने पूरे का पूरा माहौल पंजाब का खराब करना सी। तो इस टाइम का पंजाब इन्ना नाजुक इस टाइम पंजाब का माहौल है कोई किसान अंदोलन करके ऑलरेडी टैंपर्स बहुत हाई ने यही जी चिंगारी सिटन की लोड़ सी। अकाली दल अपने फायदे के वास्ते किसी हद तक जा सकता ये असी देख चुके हैं, खास करके हुण वाला काल। पिछले बारी वोटां दे वास्ते इन्होंने राम रहीम तक सपोर्ट करती, उन्हें माफ करा था, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तक करवा दी। हुण भी इस बारी फिर अकाली दल ने जदों हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बनिया अकाली दल पता नहीं की नया दा पेश कर रहा जथेदार साहब से बयान दवा के उन्होंने सपोर्ट करती। इहदे पिछे मनसा की मनसा इन्हां दी इह मैनूं नहीं समझ आ रही, पर एक गल मैं जरूर कहांगा जथेदार अकाल सिंह साहब नूं मैं लिखिया कि एक देखो जथेदार साहब जो कहिंदे उह सिख कौम दे वास्ते डिक्टेट आ ते सिख कौम दी आवाज़ आ, उन्हां दा ऐसे सियासी मामलियां दे विच दखल देण दा कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब नहीं बनते सियासी पार्टियां दा करना। उन्होंने स्पष्टीकरण करना पड़ा कि उन्होंने सियासी उन्होंने की फायदा उनका की नुकसान है, जथेदार की मतलब होया बयान देता। हुण जो जथेदार ने जो बयान देता हुण इस बयान का मतलब यह निकालिया जा रहा कि कालते जथेदार साहब ने कहता कोई फर्क नहीं पैदा तो यह सिखां ने अपना हक छड़ दिता। जेकर कल किसी पार्टी ने यह सोच के अकाल तख्त के जथेदार ने कहता मंजूरी देती किसी हिंदू नूं इत्थे मुख्यमंत्री बनाता तो इन्होंने फिर उही काम शुरू कर देनी है, कितने ये ना हो कि फिर यो गल शुरू हो जाए कि सिखां दा हक मार लिया, सिखां दे उन्हूं ढाल लग गई, पंथ नूं ढाल लग गई, तो कल जिन्हें भी यह कट्टर ग्रुप ने तो कट्टर ग्रुपां तो शुरू हो जाओ तो कल फिर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। मैं इस करके जथेदार साहब को कहा कि तुसी सिख कौम के नाल विचार करो, विचार करके फैसला लो तुसी कि सिख कौम की चाहती है, सिख कौम की चाहती है, तो अकाली के अकाल तख्त का की स्टैंड होना चाहिए। उस तो मगरों फिर कोई होर तंतु परंतु ना करे, उस तो मगरों फिर यह अकाल तक अकाली दल वर्गियों को मौका नहीं देना चाहिए कि अपने फायदे के वास्ते वह फिर पंजाब का माहौल खराब कर। एक बार ये फैसला करो, ये इस तरह करके बयान अपने आप देने वाला मुद्दा नहीं है, बहुत ही नाजुक मुद्दा, पंजाब सिखां दे हक का मुद्दा, पंजाब की शांति का मुद्दा, तो ये अगे आने वाले टाइम के उत्ते पंजाब की शांति कायम रहे ये मुद्दा। तो इस करके जथेदार साहब इस दे उत्ते विचार करन, एवें किसी के कहते जां बादलों के कहते सरसरी जां बयान इस तरह देखे जिमें कि पहला भी राम रहीम दीआं वोटां दे वास्ते उह करवाता ते अज अकाली दल हिंदुओं दीआं वोटां दे वास्ते ये कुछ करवा दे, वोटां दे वास्ते अकाली दल इस तरह करके अकाल तख्त नूं ना वरत सके। यही मैं उन्होंने बेनती की आ कि इत्थे विचार करो, वड्डे लैवल ते विचार करो ते एक फैसला करो ते उस फैसले उत्ते उदू बाद सारे सिख खड़े होण, खड़े होण। एक तरह का पंजाब के माहौल खराब करने वाले पासे नूं गल ना जावे। ये मैं चिट्ठी जथेदार साहब लिखिया ते मैं उम्मीद करदा कि इहदे ते विचार किया जाऊगा ते उदू बाद विचार करन तों बाद इत्थे फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं जय खालसा, मैं जय की फतेह। T5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक T5 चैनल पंजाबी ते।